तो करेंगे आज हम क्वेश्चन प्रूव डेट, मतलब सिद्ध करो कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आपको एक लिखना पड़ेगा एक सूत्र। तो एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पावर यहाँ पे 6 आ रही है तो यहाँ पे पावर 2 है तो आपको 6 लाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का घन करने पर तो आप ना दोनों पक्षों की पावर 3 चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और बराबर 1 की क्यूब। अब एक फार्मूला आता है a की क्यूब, मतलब a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला आता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में। तो यहाँ पर बिल्कुल यही सूत्र लग जाएगा a की क्यूब, तो a की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस फिर 3 गुना ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा और ए प्लस बी तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। यहाँ पे 1 था, 1 की क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर की क्यूब खोलेंगे तो साइन स्क्वायर स्क्वायर 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर की पावर है तो गुना हो जाएगा तो कोस की पावर 6 थीटा हो जाएगा और ये बचेगा 3 sin² थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसीलिए गुना 1 = 1। तो आ गया आंसर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा और प्लस 3 sin² थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कैसे किया गया कि साइन की पावर 6 थीटा था और कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 लाना था। तो सूत्र लेना था आपको या सर समीका कहते हैं इसको, इसको आइडेंटिटी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सर समीका सूत्र नहीं बोलते इसको, सर समीका। तो फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर क्यूबिक ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों को घन कर देंगे, घन करने पे इसकी पावर 3 3। अब ये a प्लस बी की पावर 3 है तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो आपका ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रूव डेट, यानी सिद्ध करो कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखो ऐसे किया जाता है कि जैसे साइन की पावर ये 4 थीटा है तो मैं इसे स्क्वायर लिख के उस पावर 2 लिख सकता हूँ, ऐसे ही जो कोस की पावर 4 थीटा है तो इसको भी स्क्वायर लिख के स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस 1 ब्रैकेट बंद और ये गुना में है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 लाना है तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ये पावर 4 था तो 2 की पावर 2। अब एक फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस, तो एक बार इन्हें प्लस कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एक बार प्लस हो जाएंगे और फिर एक बार माइनस हो जाएंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कि 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट है तो 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा ये 1 से गुना होकर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस को आगे लिख लो तो प्लस 1 और इसको पीछे लिख दो माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक सर्व समीका लग जाएगा, सर्व समीका आप जानते ही हैं
कि सरसमिका कौन सा लेगा, तो एक सरसमिका होता है कि साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये कोस प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा वन में से, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी इसकी जगह लिख देंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन साइन जुड़ेगा तो दो हो जाएगा, दो गुना साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा को वन अपॉन क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो दो, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो आपको दो चाहिए था तो दोनों साइड देखोगे बराबर जाएगा, एल एच एस और आर एच एस दोनों दो दो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि ये पावर चार है तो इसे स्क्वायर का पावर स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोस की पावर चार है तो स्क्वायर की पावर स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर यहाँ इन दोनों में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का संबंध बन गया, तो एक बार इसको जोड़ देंगे घटा देंगे, एक बार जोड़ने पे एक बार घटाने पे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा एक हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये रहेगा तो यही रहेगा। अब एक को आगे लिख दो कोस को पीछे लिख के इसमें फॉर्म लगा दो, तो इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन साइन जुड़ेगा तो दो साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक का सूत्र याद कर लेंगे कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन साइन थीटा, तो इस कोसेक को वन अपॉन साइन लिखेंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा।